स्वागत है आपका एक बार फिर से G20 सम्मेलन में। जहां मोदी की कूटनीति का जादू दिख रहा है, तो वहीं सम्मेलन में भारत और दुनिया को लेकर पीएम मोदी का डिजिटल विजन भी दिख रहा है। यहां यूपीआई के साथ साथ आरबीआई की डिजिटल करेंसी की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। यहां यूपीआई वन वर्ल्ड रुपे ऑन द गो के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। विदेशी यात्रियों के लिए, विदेशी मेहमानों के लिए यूपीआई वन वर्ल्ड तैयार किया गया है। इसके अलावा G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्ष सिंगला ने भी क्राफ्ट बाजार का उद्घाटन किया है। तो ये जो भारत की डिजिटल क्रांति है, उस डिजिटल क्रांति की तस्वीर पूरी दुनिया तक जाए, वो डिजिटल क्रांति से पूरी दुनिया भी देखे कि भारत ने अपने देश में टेक्नोलॉजी के आधार पर कैसे डिजिटल करेंसी को संभव किया है। आपको पता है कि 40% दुनिया में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें 40% भारत का ही होता है यूपीआई के थ्रू। तो हमारे देश में जो डिजिटल करेंसी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, कहीं और मतलब कोई और देश का कोई मुकाबला नहीं हो रहा है। तो आज जब हम यहाँ पे हमारी समिट हो रही है और यहाँ पे हमारा प्रदर्शन हो रहा है हमारे प्रोडक्ट्स के, तो ये भी हम एक मौका है कि हमारे डिजिटल करेंसी, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का मतलब डिस्प्ले हो। जैसे कि इंडिया स्टैक आप देखेंगे, आधार, यूपीआई, ई संजीवनी, ये सब डिस्प्ले में है और इनके प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन भी हो रहे हैं और पेमेंट्स सारे डिजिटल पे, डिजिटल मोड पे ही होगा। तो कोई कैश ट्रांजैक्शन वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है, डिजिटल होगा। जो फॉरेन जर्नलिस्ट वगैरह भी फॉरेन एक्सचेंज चेंज करेंगे, उसका भी डिजिटल मतलब वॉलेट में ही आ जाएगा और वो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।